ओके हेलो गाइस, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे। सो सब जनों को हाय, गुड मॉर्निंग, सबको प्रणाम। एंड दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे विद द कैमरामैन दर्शन खरे, एंड अ वेरी वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। थोड़ा सा आवाज़ के अंदर खराश हो सकती है, सो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं कि थोड़ा सा गला बैठ गया था 2-3 दिन पहले। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ सीए फाइनल लॉ, जिसके अंदर हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस तरीके से नवंबर एग्ज़ाम के लिए, किस तरीके से मई एग्ज़ाम के लिए, किस तरीके से हम अमेंडमेंट्स देंगे और कौन सा कोर्स आपने सेलेक्ट करना चाहिए अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों के मुझे इस बारे में मैसेजेस आए हैं कि सर हमको नवंबर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि अटेम्प्ट अब कैंसिल हो चुका है, तो नवंबर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है हमको। मई 21 के लिए बोथ ग्रुप प्रिपेयर करना है, तो सर हम कैसे करें, हम कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेरीज मुझे आए थे, तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वीडियो हम बना दें और साथ में अमेंडमेंट के बारे में भी डिक्लेरेशन दे दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन सवाल जो एंटरटेन करते हैं कि मेरे कितने कोर्सेज बेसिकली अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा पहले आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, सो बिना समय गवाए मैं यहाँ पे कोर्सेज मेंशन कर रहा हूँ, सो प्लीज़ उसको देखिएगा और उसके बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सीए फाइनल के लिए हमारे पास जो मेन तीन कोर्स है, जो पेड कोर्सेज है, उसमें से मेन तीन कोर्स है वो है सीए फाइनल लॉ रेगुलर बैच, उसमें सीए फाइनल लॉ सुपर 35 बैच एंड सीए फाइनल लॉ बूस्टर बैच। अब मेन ये तीन है, फिर उसके बाद में इस बार मैंने एक नया क्वेश्चन ईयर कोर्स इस बार मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जिसके लिए काफ़ी हैप्पी न्यूज़ है। ये क्वेश्चन ईयर कोर्स के पूरे वीडियोस, पूरे इन डिटेल वीडियोस, 12 से 15 वीडियोस है 3 घंटे के, ये पूरे इन डिटेल वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ये यूट्यूब पे पूरे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे क्वेश्चन ईयर डिस्कशन के। ठीक है, टेंटेटिवली 15 मतलब 40 to 45 आवर्स का पूरा कंटेंट होगा जो मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ लेक्चर्स। अगर आपको क्वेश्चन ईयर परचेस करना है तो आप वो vsmartacademy.com से परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इस बार हम लॉन्च करें क्वेश्चन ईयर वीडियो, जिसके अंदर हमने टेंटेटिवली 650+ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ क्वेश्चन रिपीट है फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस, पर 650+ क्वेश्चन एटलीस्ट हम उसके अंदर रीड करेंगे। और आपने ये क्वेश्चन और डिस्कशन देख लिया तो आई कैन नियरली अश्योर यू कि 80% का पेपर आपका नियरली इस क्वेश्चन और डिस्कशन में से आएगा। एग्जैक्टली जैसे के वैसे नाम वगैरह नहीं, पर लॉजिक 80% पेपर का इस क्वेश्चन से रहेगा, बिकॉज ये इंडिया का आई कैन से वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है विथ इन डिटेल्ड आंसर। ठीक है, इसके वीडियोस का एक प्लेलिस्ट मैं लॉन्च करूंगा अगले कुछ दिनों के अंदर, तो अगर आपको ये क्वेश्चन परचेस करना है तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपके लिए लिस्टिंग वगैरह पढ़ूंगा, बताऊंगा ये किस तरीके से कर सकते हो। फिर हमारा सीए फाइनल लॉ का जो अमेंडमेंट है ये हमेशा अवेलेबल रहता है 10 सितंबर और 10 मार्च को, 10 सितंबर 10 मार्च को ये अमेंडमेंट लेक्चर्स हमारे अवेलेबल रहते हैं। तो इस बार भी नवंबर एग्जाम के लिए जितने भी लोगों को मैं ये दिक्कत है कि क्या अमेंडमेंट है, कैसे अमेंडमेंट है, तो बेटा मैं फिलहाल कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट की आरटीपी रिलीज होती है उसके हिसाब से हमारे अमेंडमेंट रिलीज होते हैं। सो इंस्टीट्यूट की आरटीपी जब रिलीज होगी तो मैं अमेंडमेंट बोल पाऊंगा। आवाज थोड़ी सी गई है सो थोड़ा सा एडजस्ट करना बच्चों। सो इंस्टीट्यूट के आरटीपी के हिसाब से हम अमेंडमेंट रिलीज करते हैं, तो 10 सितंबर 10 मार्च ये डेट फिक्स है, मई एग्जाम के लिए 10 मार्च और नवंबर एग्जाम के लिए 10 सितंबर, उस वक्त मेरे अमेंडमेंट वीडियोस आएंगे। इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2 लेक्चर्स के आसपास का कंटेंट रहना चाहिए, 2 लेक्चर से 3 लेक्चर्स का, मतलब आपको कंटेंट का टेंशन नहीं है, 2 लेक्चर से 3 लेक्चर। जिनको ये दिक्कत है कि सर कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020 एप्लीकेबल है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, अभी तक के पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है, और ये आपको नवंबर एग्जाम के लिए जो अमेंडमेंट है वो 30 अप्रैल 2020 के पहले के एप्लीकेबल होते हैं, 30 अप्रैल 2020 के पहले के अमेंडमेंट एप्लीकेबल होते हैं, तो वो बिल आपको एप्लीकेबल नहीं है। ये एक मेन क्वेश्चन मेरे को आ रहा था जो मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया, कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020 यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। फिर मेरा लॉ का वन डे रिविजन्स, तो इस बार नवंबर एग्जाम के लिए जो वन डे रिविजन है वो मैंने मई के लिए जो रिकॉर्ड किए थे वही के वही मैं कैरी करूंगा। इसके साथ में आप अमेंडमेंट लेक्चर्स देख सकते हो तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये हमें ये जो वन डे रिविजन वीडियोज है बहुत बेटर लेवल पे हमने शूट किए थे। नियरली 24 घंटे का टोटल वीडियोज का ड्यूरेशन है, 2 दिन आप लगातार बैठो तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में बहुत अच्छा मैंने रिविजन करवा के दिया है। पर यह सिर्फ रिविजन पर्पज के लिए, यह एक्सपेक्ट मत करना कि वन डे रिविजन वीडियोज देख के आप एग्जाम चले जाओगे, ना, यह सिर्फ रिविजन पर्पज के लिए, और इसको रिविजन के लिए ही यूज करना अगर आपका लॉ ऑलरेडी पढ़ चुका हो तो।
सेम विद द क्वेश्चन एयर एंड अमेंडमेंट, ये लास्ट के जो तीनों है क्वेश्चन एयर, अमेंडमेंट एंड मैराथन, ये आपने तभी करने हैं। ये दोनों तो फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे, ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहते हैं यूट्यूब पे, इसके ऊपर कोई भी हम चार्जेस नहीं लगाते। पर क्वेश्चन एयर वीडियोज भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी। जो हमारे तीन सेट ऑफ मॉड्यूल आएंगे, कंपनी लॉ का एक मॉड्यूल आएगा नियरली 200-250 पेजेस का, जिसके अंदर डायरेक्टर का अलग, मिसलेनियस टॉपिक का अलग 200-250 पेजेस के मॉड्यूल आएंगे, लैंडस्केप जैसे यहां फोटो दिया है, और इकोनॉमिक लॉ का अलग मॉड्यूल। तो 650 प्लस क्वेश्चंस हमने इसके अंदर डिस्कस किए, साइड में मेक नोट्स के लिए बकायदा मैंने जगह भी छोड़ के रखी है। तो आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आएगा, आप इसके कुछ डिस्कशन वीडियो में आज या कल में रिलीज करूंगा, तो आप देखना आपको मजा आ जाएगा कि हमने सभी मई 2002 से लेकर आज तक के सभी क्वेश्चन कवरअप किए हैं, नवंबर 19 तक के, मई 20 तो एग्जाम हुआ ही नहीं, तो नवंबर 19 तक के सभी, और 10 मॉक टेस्ट पेपर्स और आरटीपी, एमटीपी और आरटीपी पिछले 10, ये हमने इसके अंदर कवर किया, मतलब वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो 650 प्लस मतलब 700 क्वेश्चन हो जाएंगे टेंटेटिवली आपके, जो यहां पे हम लेने वाले हैं क्वेश्चनर में। सिर्फ इसका बुक सेल के लिए अवेलेबल है, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चनर वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है बेटा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कुछ चार्जिंग करना नहीं है, तो हमने सिर्फ बुक सेट सेल के लिए रखा है, क्लियर है, ये चीज को रखना। इसका टेंटेटिव प्राइस 1000 रुपए के आसपास रहेगा, बिकॉज तीन मॉड्यूल और एक एमसीक्यू हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, जो सिंगल कलर मॉड्यूल है जो आपको काफी हेल्प करेगा, और 250 से 300 पेजेस का एक एक मॉड्यूल है, ऐसे तीन मॉड्यूल प्लस ये, और ये क्वेश्चन आप कर लो तो आई कैन गारंटी यू 80 से 85 मार्क का पेपर आपका देखा हुआ आएगा। बाकी ये दोनों फ्री है, पर ये तीनों कोर्सेस आपने बेटा तभी करने हैं जब आपका लॉ एक बार पूरा डिटेल में पढ़ के हो गया है, पूरा डिटेल में, या आपने मुझसे एक तो फास्ट ट्रैक बैच किया है, एक तो फास्ट ट्रैक बैच किया है या रेगुलर बैच किया है, तो आप ये क्वेश्चन रेफर कर सकते हो, क्लियर। बूस्टर अगर आपने मुझसे बैच किया है तो भी आप क्वेश्चन रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर बूस्टर रिविजन ये इटसेल्फ रिविजन कोर्स है, जब आपका ओरिजिनल प्रिपरेशन हो जाएगा तो आप बूस्टर ले सकते हो। सो लास्ट तीन के बारे में मैं कंप्लीट कर दूं, क्वेश्चन पूरे वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, अमेंडमेंट वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मैराथन वीडियोस भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सिर्फ आपको क्वेश्चन है और बुक परचेस करनी पड़ेगी। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, ये आपको काफी अच्छे लेवल पे हेल्प करेंगे। सो तीन चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहा हूं, अब तीन चीजें पेड रहेगी, ऑफकोर्स रोटी रोजी रोटी का सवाल है, इसमें भी बूस्टर विजन कोर्स काफी कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल रहेगा, आई विल जस्ट टेल यू, जस्ट वेट फॉर इट। अब जिनको इन डेप्थ, ठीक है, जिनको ये चाहिए कि सर मुझे लॉ के ऊपर तगड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, ये सब्जेक्ट मेरा एग्जम्पशन से ज्यादा मुझे प्रिपेयर करना है, एग्जम्पशन है उससे ज्यादा मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है, आई विल सजेस्ट यू टू गो विद द बूस्ट रेगुलर कोर्स। जो रेगुलर कोर्स हमारा 180 आवर्स, 55 लेक्चर, 3.5 घंटे के कंटेंट लेक्चर है, और 12 से 15 लेक्चर क्वेश्चन एयर लेके लेक्चर है, टोटल आप ये अगर कोर्स ले लेते हो तो इसके अंदर आपका सब हो जाएगा। मतलब मैं रेगुलर कोर्स के अंदर आपको ये बोल सकता हूं, रेगुलर कोर्स में मैंने दो रिवीजन, एक बूस्टर रिवीजन पूरा लिया है इसमें, और एक सेकंड चार्ट रिवीजन, एक स्पेसिफिक चार्ट इस बार हमने इन्वेंट किया है जो हमने इसके अंदर लिया है, दो रिवीजन हम पूरे कंप्लीट कर लेते हैं इसके अंदर, क्लियर है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, दो रिवीजन इसके अंदर, इन एडिशन टू दिस, इस रेगुलर कोर्स के अंदर हम पूरा क्वेश्चन एयर कवर अप कर लेते हैं, और ये इतना डिटेल में है, नियरली 55 कंटेंट लेक्चर, 12 से 15 ये क्वेश्चन एयर लेक्चर, तो 70 लेक्चर्स, वैसे भी ये क्वेश्चन एयर यूट्यूब पे आपको अवेलेबल रहेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि रेगुलर कोर्स में मैं सिर्फ कंटेंट लेक्चर देखो 55, तो आप क्वेश्चन एयर स्किप कर सकते हो, बाद में आप वो यूट्यूब से भी कर सकते हो, क्योंकि उसके वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, और आपके पास रेगुलर बुक सेट में ही क्वेश्चन एयर बुक सेट रहेगा, तो आप यूट्यूब से वीडियोस कर सकते हो। तो जो रेगुलर कोर्स, जिसको ये चाहिए, नहीं सर मुझे लॉ में कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं फर्स्ट टाइम लॉ प्रिपेयर करना चाहता हूं, मेरा बहुत जरूरी है कि मैं लॉ को समझू, तो मैं पढ़ता हूं अप्रोक्सिमेटली 60 लेक्चर्स बोला है, जिसके अंदर मैं बोलता हूं 55 कंटेंट लेक्चर, 12 से 15 क्वेश्चन एयर लेक्चर्स, तो 180 आवर्स का आपका कंटेंट रहेगा, और एडिशनल 30-40 आवर्स जो हमारा क्वेश्चन एयर है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा। आप रेगुलर कोर्स खत्म करने के बाद भी उसको कर सकते हो, या इन बिटवीन रेगुलर कोर्स के भी पीडीएफ में अवेलेबल है, आप उसको कर सकते हो। ये रेगुलर कोर्स इन डेप्थ फुल कोर्स है, विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच है, बकायदा पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से है कि किस तरीके से आपने पढ़ना है, क्या करना है, हर चीज, मतलब आपका लॉ का छोटा से छोटा डाउट मैंने इसके अंदर एंटरटेन किया है। तो ये चीज को याद रखना, जिसको लॉ में एग्जामिनेशन चाहिए, फॉर हिम दिस कोर्स इज अवेलेबल। आप ये कोर्स में मेहनत कर लो, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं बहुत बड़े लेवल के ऊपर लॉ प्रिपेयर किया हूं, कंपेयर टू एनी अदर पब्लिकेशन, एनी अदर क्लासेस, ये आप कंसिडर कर सकते हो रेगुलर, क्योंकि आई गेस ऑल ओवर इंडिया में मैं इकलौता ही हूं जो टेंटेटिवली 55 कंटेंट लेक्चर प्लस 12 से 15 क्वेश्चन एयर लेक्चर देता है इतने डिटेल में, और कोई आईगेस ऐसा कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो आप ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना, ये यूजफुल फॉर न्यू स्टूडेंट, फ्रेश स्टूडेंट, जिनको इंडेक्स स्टडी करना है लॉ का, और कोई भी रिस्क नहीं लेना है, मेरे को बिल्कुल रिस्क ही नहीं लेना है, वो परेश रावल कहता है ना, मेरे को रिस्क ही नहीं लेना है, तो रेगुलर कोर्स इज मेड फॉर यू।
ठीक है, बिल्कुल रिस्क नहीं रहेगा, आपको एक दो रिवीजन इसके अंदर हो जाएंगे। कवरेज 100% है, एनालिसिस हम पूरा का पूरा तगड़े लेवल पे करते हैं, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी इसके अंदर हम काफी केस स्टडीज डिस्कस करते हैं, मतलब बहुत सारे केसेस, बहुत सारा कंटेंट हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। डिटेल कंसेप्ट क्लैरिटी, बैकग्राउंड हिस्ट्री, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, रिपीटेटिव रिविजन्स, दो रिविजन तो क्लास में कंसिस्टेंटली होते हैं, सेक्शन रिविजन भी होती है, नियरली 70 से 80 से 90% सेक्शन भी आपको याद रहेंगे। अमेंडमेंट ये नियरली 50 डेज बिफोर एग्जाम हम लॉन्च करते हैं, क्योंकि आरटीपी जब रिलीज होगा तो अमेंडमेंट रिलीज होंगे, जो नियरली 2 महीना पहले रिलीज होता है, तो हम 50 डेज पहले अमेंडमेंट रिलीज करते हैं। रिविजन चार्ट, ये हम सेकेंड रिविजन चार्ट यहां क्लास में ही बना लेते हैं। डिटेल क्वेश्चनर डिस्कशन हम क्लास में ही करवा लेते हैं, यहां पे 10 से मैंने बोला है 12 से 15 लेक्चर्स वो इसी के अंदर हो जाएंगे। डेली होमवर्क ये मैं क्लास में दूंगा, और एक सोल बुक नाम का कांसेप्ट है, जो आपके पर्सनालिटी को और बेटर बनाने के लिए, आपके टारगेट की तरफ और बेटर लेवल पे चलने के लिए ये एक अवेलेबल है सोल बुक का कांसेप्ट। इसमें मैं मेडिटेशन वीडियोस देता हूं, इसके अंदर मैं वो वीडियोस देता हूं जो ओवरऑल पढ़ाई के अंदर आपको हेल्प कर सकते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, मेडिटेशन वीडियोस, उसके मेडिटेशन टेक्निक्स, उसके बाद में मोटिवेशनल स्टोरीज, नियरली 60 से 70 हम मोटिवेशनल स्टोरीज कवर करते हैं, अलग अलग लोगों के इंस्पिरेशनल स्टोरीज हर रोज एवरीडे, तो ये हम सोल बुक इसके अंदर स्पेसिफिकली दे रहे हैं। दूसरा मेरा कोर्स जो अवेलेबल है, दैट इज सुपर 35 कोर्स। अब सुपर 35 कोर्स किसके लिए है? जिसको लॉ प्रिपेयर करना है पर सब अब समय नहीं बचा, या जिसका लॉ एक बार अच्छे से किसी के पास हो चुका है पर ऐसा सिचुएशन है सर वहां कुछ समझ में नहीं आया, या फिर वहां समझ में नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कोई टीचर बुरा पढ़ाता, मैं बोलता हूं सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए। टीचर तो सभी अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर और स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए, आपका कंटेंट मैच होना चाहिए, सोचने का तरीका मैच हो, तो ये चीज होती है। सो अगर लॉ कहीं ऑलरेडी हो चुका है, सेल्फ स्टडी में, क्लासेस में, या पब्लिकेशन में, कहीं पर भी हो चुका है, और आपको लॉ फिर भी नहीं समझ में आया, आपको ये चाहिए कि नहीं सर मुझे ना एक शॉर्ट इसमें मेरे को एक अच्छा कोर्स कंप्लीट कर लेना है, मेरे को एक पूरा कंटेंट के हिसाब से कवर करना है, तो है सुपर 35 कोर्स, जो मेरे 70 लेक्चर्स है, 55 कंटेंट लेक्चर और 15 क्वेश्चनर लेक्चर, उसको मैं रिड्यूस करके यहां पे 35 लेक्चर्स के अंदर दे रहा हूं। बट ऑब्वियस सी बात है, जो बेटा 55 और 12 15 लेक्चर्स के अंदर होगा, वो यहां पे 35 लेक्चर्स के अंदर पूरा कवर करना मुश्किल है। तो हमने सुपर 35 में किया है, पूरा 100% कोर्स कवरेज किया है, पूरा 100% कोर्स कवरेज किया है, पर ये सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। ये यूजफुल फॉर न्यू स्टूडेंट विद द लिमिटेड टाइम एंड स्टडी प्रिपरेशन, यूजफुल फॉर ओल्ड स्टूडेंट हैविंग 1-2 अटेम्प्ट एग्जाम गैप, यूजफुल फॉर रिपीटर स्टूडेंट, जिन्होंने एग्जाम दिया है एक साल पहले अभी वापस देना चाहते हैं, उनके लिए है, उनको अमेंडमेंट चाहिए उनके लिए है। इन डेप्थ रिविजन इसके अंदर मैंने कोर्स में किया है, 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, और एनालिसिस में इतना ज्यादा नहीं दिया हूं, पर जो एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस लगता है वो इसके अंदर है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड। मतलब आप इसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस एक्सपेक्ट ना करना, 100% कंसेप्ट एक्सपेक्ट करना, पर इसमें एनालिसिस एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा, बहुत ज्यादा। यहां मैं दिल खोल के एनालिसिस करवाता हूं, मतलब इस एनालिसिस में दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए कवर हो जाएगा, लेकिन इन एनालिसिस में अभी तक के एग्जाम में कितना एनालिसिस कवर किया, अभी तक के एग्जाम में किस किस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, वो एनालिसिस हम यहां पे कवर करते हैं। नॉलेज इस कोर्स में मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो 55 प्लस 15 लेक्चर में मैं यहां नॉलेज देता हूं, वो अगर मैं यहां देते बैठूं तो ऑब्वियसली 35 लेक्चर्स के ऊपर चले जाएंगे। डिटेल्ड कांसेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये कोर्स अवेलेबल रहेगा। अमेंडमेंट 50 डेज, ठीक है, 50 डेज पहले आएंगे, जो रेगुलर कोर्स कहलाते हैं वो ही आपके लिए आएंगे। इसके अंदर कोई सेकंड रिवीजन चार्ट हम बना नहीं सकते, बिकॉज सेकंड रिवीजन चार्ट को डेली हमको 15 से 20 मिनट देने पड़ते हैं। हालांकि सेकंड रिवीजन चार्ट बहुत अच्छी बात है, जो मेरे स्टूडेंट ही खुद क्लास के अंदर बनाते हैं रेगुलर कोर्स में, पर इसमें मैं सेकंड रिवीजन चार्ट नहीं दे सकता, बिकॉज उसके लिए 15 से 20 मिनट डेली लगते हैं, और अगर हम 30-45 लेक्चर अगर 15 से 20 मिनट सेकंड रिवीजन चार्ट के लिए दे, तो बेटा कोर्स का ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली चला जाएगा 40-45 लेक्चर के ऊपर, जो सही नहीं है। इसलिए यहां सेकंड रिवीजन चार्ट कवर्ड नहीं है। यहां पे आपको क्वेश्चनेयर जो है वो सेपरेटली, मतलब आपको इसके अंदर क्वेश्चनेयर मिलेगा, पर YouTube पे सेपरेट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहो तो वो वीडियोस YouTube से देख सकते हो, जो क्वेश्चनेयर पे फ्री वीडियोस अवेलेबल है। सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो ऐसे केसेस में डेली होमवर्क आपको सेल्फ स्टडी में करना पड़ेगा, सोल बुक इसके अंदर कवर्ड नहीं है, बिकॉज मैं सुपर 35 कोर्स के अंदर मेडिटेशन, इंस्पिरेशनल 60 स्टोरीज के लेक्चर इसके अंदर नहीं डाल सकता, ऑब्वियसली कंटेंट ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, वो मजबूरी है, आई गेस आप समझ जाओगे, ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना। यह है सेकंड कोर्स, हालांकि इस बार हम सुपर 35 रिवीजन कोर्स 20th तारीख से डेली एक लेक्चर करके प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मेरा स्टूडियो रिकॉर्डिंग रहेगा पूरा न्यू। और इस बार खास बात यह है, अभी तक के मेरा सुपर 35 रिवीजन कोर्स ये सिर्फ
इंग्लिश में अवेलेबल था, इस बार सुपर 35 रिवीजन कोर्स हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा। मैं आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन बोलता हूं, अगर आपके पास समय कम है तो, समय कम है तो गो विद द सुपर 35 रिवीजन कोर्स। अगर आपको कंसेप्चुअली सिर्फ पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड, एंड क्वेश्चन एयर डिस्कशन की वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, क्वेश्चन एयर तो मैं आपको सुपर 35 रिवीजन कोर्स में दूंगा। इसमें रेगुलर बुक सेट ही आपको पूरा मिलेगा, जो मेरे रेगुलर बैच का है वही पूरा बुक सेट मिलेगा और क्वेश्चन एयर आपको मिलेगा। तो सुपर 35 के 35 लेक्चर यहां कवर कर रहा, क्वेश्चन एयर के पूरे लेक्चर्स यूट्यूब से देख लेना, क्वेश्चन आंसर तो आपके पास ही रहेगा, अमेंडमेंट वीडियोस देख लेना, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? ये एक अच्छा प्लान है, पर वैसे भी बोलो तो सुपर 35 में ये 35 प्लस ये 15 लेक्चर डालो तो 50 हो जाएंगे, लेकिन आपको तगड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए एग्जाम के लिए, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना, गो विद द रेगुलर कोर्स। इससे आपको अलग लेवल का ही कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि, पर आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जाना है, सुपर 35 प्लस क्वेश्चन एयर, ये सिर्फ फ्री वीडियोस है, क्वेश्चन एयर तो आपके सुपर 35 में ही आ जाएगा। ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये हम 20 तारीख से शुरू करेंगे, इसका प्री बुकिंग शुरू हो चुका है, इसका प्री बुकिंग शुरू हो चुका है। नीचे ये वीडियो अभी लाइव चल रहा है तो अभी लिंक नहीं रहेगा, पर जब वीडियो खत्म हो जाएगा, अगर आप बाद में देख रहे हो ये वीडियो रिकॉर्डेड, तो नीचे इसका सुपर 35 का लिंक परचेस का मिलेगा, रेगुलर बैच का लिंक परचेस का मिलेगा, बूस्टर का लिंक, सबका परचेस का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सो गो विद इट, ठीक है? और ये सुपर 35 मार्केट में जितने भी कोर्सेस है वो भी 35 से 40 है, उन्हीं के प्राइस रेंज में अवेलेबल किया गया है। बट आई विल टेल यू, ये सुपर 35 कोर्स इज द बेस्ट इन द क्लास। बेस्ट इन द क्लास मतलब दिस विल, मतलब ये पूरे तरीके से सब कुछ कवर कर देगा, आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिएगा, दिस इज द बेस्ट वन इन द क्लास। अभी तक के आपने अगर मेरे वनडे रिविजन देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल का कंटेंट हम वनडे रिविजन में कवर करते हैं, यहां तो पूरे 35 लेक्चर्स है। ये चीज को याद रखना है, आई विल गारंटी यू दिस इज द बेस्ट इन द क्लास। हम 20 तारीख से इसका डेली एक लेक्चर का रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं, 35 डेज तक ये चलता रहेगा, तो इस चीज को याद रखना आपने, ठीक है? हाँ, बीच में मैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो टेक्निकल डिफिकल्टी या टेक्निकल प्रॉब्लम या रेंडरिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो एक आध दिन का डिले बीच में होगा, एक दो दिन का, पर हम 35 डेज के अंदर 35 से 40 डेज में इस बैच को फिनिश करेंगे। अगर ये 20 तारीख से शुरू होता है तो ये अगले मंथ के, अगस्त मंथ के 31 तारीख तक ये बैच हम फिनिश अप करने की कोशिश करेंगे, ये चीज को याद रखना। अब जिनका लॉ ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, प्रिपेयर, पर थोड़ा बहुत कहीं पे कंसेप्चुअल दिक्कत है, थोड़ा रिवीजन करवाने में थोड़ा सा मूड नहीं बन रहा, या रिवीजन अच्छे से नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, पर फटाफट लॉ कवर करना है, लॉ एक बार पढ़ के हुआ है, मुझसे हुआ है, किसी और से हुआ है, समझ में भी आया है, पर रिवीजन अच्छे से करना है, तो ऐसे सिचुएशन में 15 लेक्चर्स का एक कोर्स हम आपके लिए ला रहे हैं 3.5 घंटे का, जिसके अंदर पूरा लॉ कवर किया जाएगा। पूरा मतलब पूरा तो नहीं हो सकता, 90% आपका लॉ कवर किया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड, सिर्फ रिवीजन के लिए, सिर्फ रिवीजन ऑफ एंटायर सिलेबस। स्टूडेंट हु हैज डन द क्लास ऑफ द लॉ इन लास्ट 1 ईयर और जस्ट वॉन्ट टू ब्रश अप द कंसेप्ट, या रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए यह अवेलेबल है फॉर इनडेप्थ रिविजन। मतलब ये इनडेप्थ रिविजन का बेस्ट कोर्स है, 90% कॉन्सेप्ट्स यहां पे कवर किए जाएंगे, जस्ट रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस ज्यादा नहीं कर पाएंगे, विथ अमेंडमेंट जो 50 दिन पहले अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब पे। इसके अंदर मैं ये पहले ही डिक्लेयर कर दूं, इस कोर्स के अंदर आपको क्वेश्चनेयर नहीं मिलेगा, इस कोर्स के अंदर आपको क्वेश्चनेयर सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा। अगर आपको यूट्यूब के क्वेश्चनेयर डिस्कशन देखने हैं तो इसमें आपको सिर्फ बूस्टर बुक ये हम प्रोवाइड कर देंगे, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से लेवल पे याद रखना है, दिस इज अ बूस्टर रिविजन कोर्स, 15 दिन का सिर्फ इनडेप्थ रिवीजन वाला कोर्स है। क्लियर है? तो मैंने तीनों कोर्सेज बता दिए। बूस्टर रिवीजन कोर्स अभी हमारा लास्ट अगस्त में रिकॉर्डेड है, अगर आप अमेंडमेंट देख सकते हो तो अमेंडमेंट के साथ में आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो लास्ट अगस्त वाला, या फिर आप अगस्त एंड तक के रुक जाइए, वहां हमारा बूस्टर रिवीजन का न्यूली रिकॉर्डेड कोर्स रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगस्त एंड तक के ये कोर्स आ जाएगा, तो टेंटेटिवली आपके एग्जाम के लिए 15 दिन के अंदर आप इसको आराम से रिवाइज कर सकते हो, अगस्त एंड से सितंबर मिड तक ये कोर्स आपका फिनिश हो जाएगा। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है, दिस इज बूस्टर रिवीजन कोर्स। कौन सा? बूस्टर। सो ये 3 पेड कोर्स है, और इस बार बूस्टर रिवीजन कोर्स दिस विल बी नियरली अवेलेबल टू यू इन बिटवीन द प्राइस रेंज ऑफ 1300 टू 1500 जस्ट फॉर डिटेल रिवीजन विद अ बूस्टर बुक। एक बूस्टर बुक दिया जाएगा, उसके साथ में आपको ये रिवीजन करना है, तो पूरा डिटेल में रिवीजन इसके अंदर आपका हो जाएगा। ये चीज को आपने बड़े अच्छे लेवल पे याद रखना है। ठीक है, तो ये 3 कोर्सेस अवेलेबल है। नाउ इट इज अ टाइम कि मैं इनके लिस्टिंग्स एक बार आपको पढ़ के दिखाऊं, कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए। ठीक है, मैं सबसे पहले रेगुलर इनडेप्थ कोर्स का लिस्टिंग यहां पे पढ़ता हूं, बड़े अच्छे से ध्यान देना। सो P4 लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे परचेस के सभी के सभी। CA फाइनल लॉ वीडियो लेक्चर्स रेगुलर इनडेप्थ कोर्स बाय CA दर्शन खरे। ठीक है, पेपर 4 CA फाइनल लॉ रेगुलर कोर्स, ये हम 15 जून
से नियरली जो क्लासेस शुरू किए थे 25 जून से हमने इसके रिकॉर्डिंग देना शुरू किए। सो 25 जून आप यहाँ पे समझ सकते हो, 25 जून से अभी इसके कुछ रिकॉर्डिंग 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे। मेरी आवाज़ बैठी थी इसलिए बीच में डिले भी हो गया 2-4 दिन का। सो 25 जून तक के रिकॉर्डिंग्स आपके खत्म हो जाएंगे, देन यू कैन ऑब्वियसली उसके पहले भी अभी भी बच्चे कर ही रहे, ऑनलाइन गूगल ड्राइव पर डाउनलोड कर करके सब देख ही रहे। ऑलरेडी हमने इसके 1500 से ज़्यादा कोर्सेज सेलेक्ट आउट कर दिए हैं अभी तक के। सो आप इसको ले सकते हो, ये रेगुलर कोर्स मतलब आप पूरा लॉ मेरे भरोसे पर छोड़ दो, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो आपने कभी आईपीसी से भी नहीं सुनी होंगी, कहीं और सुनोगे भी नहीं, दैट इज माय गारंटी, कहीं भी नहीं सुनोगे, ऐसी ऐसी चीजें आपको इसके अंदर पता चलेगी। हिंदी इंग्लिश मिक्स है, नवंबर 20 मई 21 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है ये, ठीक है। यहां 22 लिखा है, 22 नहीं, इट इज फॉर नवंबर 20 एंड मई 21 एग्जाम। ओल्ड सिलेबस क्या सिर्फ 85% यहां पर कवर होगा अगर कोई ओल्ड सिलेबस का है ड्यूरिंग लॉकडाउन। हाँ, यह एक खास बात है, आप किसी भी कोर्स को ऑर्डर प्लेस कीजिए, पूना में 15-15 दिन का बीच बीच में लॉकडाउन आ रहा है, तो ड्यूरिंग लॉकडाउन आपको इनके पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहेंगे। जैसे ही लॉकडाउन पुणे का खत्म होगा, पुणे का, क्योंकि पूरा शिपिंग पुणे से होता है, पुणे का लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपको सभी नोट्स इमीडिएटली शिप कर दिए जाएंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ, हार्ड कॉपी ऑप्शन बुक का अवेलेबल है और हार्ड कॉपी ऑप्शन ही परचेस करना। मैंने अभी तक देखा है बच्चे सॉफ्ट कॉपी ऑप्शन परचेस करते हैं और बाद में वापस हार्ड कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको हार्ड कॉपी कॉस्टली पड़ जाता है। सो अगर आप इसको परचेस कर रहे हो तो हार्ड कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट करना, क्योंकि सभी नोट्स कलर है, बच्चे उसको जेरोक्स या प्रिंट करने की कोशिश करते फिर वो हेल्प नहीं करता, फिर वो चिल्लाते हैं कि सर हार्ड कॉपी ऑप्शन तो महंगा अवेलेबल है। हार्ड कॉपी तो बाद में अगर आप बुक्स परचेस करने जाओगे तो पहले मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो कॉस्टली मिलेंगे, बिकॉज बुक सेल हम वैसे ही कॉस्टली रखते हैं। तो आप हार्ड कॉपी ऑप्शन लेना मत भूलना। ये आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन हटने के बाद आपको दिया जाएगा रेगुलर नोट्स। 1.5 टाइम्स प्लेबैक है, 3 घंटे का लेक्चर 4.5 घंटे तक आप देख सकते हो, 6 महीने का पीरियड है, 6 महीने के बाद लेक्चर ये हो जाएगा। आप पहले 2 लेक्चर, ये जितने भी मस्ट वॉच लिखे हुए लेक्चर्स है, इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल, ये जरूर देखिएगा, कैसे आपको हेल्प होगा कोई भी परचेस पॉलिसी वीडियो प्लेलिस्ट किस तरीके से हमको इसको समझना है उसके लिए। पीडीएफ नोट्स और वीडियोज के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हो, वहां पर आपके डिटेल डाल दो तो दोनों डाउनलोड कर पाओगे। फिर ऑप्शन दिए है कि कोर्स बुक मटेरियल क्या प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ कॉपी चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए, तो आपने हार्ड कॉपी सेलेक्ट करना, आई इंसिस्ट, क्योंकि आप बाद में वापस से हार्ड कॉपी के ऊपर आओगे ही आओगे। एग्जाम कौन से एग्जाम के लिए, तो नवंबर 20 मई 21, नवंबर 21, अब ये मई 22, इनके लिए आप ले सकते हो इस कोर्स को, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है, जिसको एडवांस प्रिपरेशन करना है उनके लिए ये ऐसा अवेलेबल है, हमने रखा है कि विथ अमेंडमेंट अगर कोई करना चाहता है, या बाद में कोई नवंबर 20 मई 22 में अगर कोई बूस्टर रिविजन कोर्स लेके कंप्लीट करना चाहेगा तो वो अभी भी ये लेक्चर्स कर सकता है। शिपिंग मेथड ये बेसिकली, हाँ, सिलेक्ट एडिशनल ऑफर, आपको इसके साथ 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ ये आपको मिल सकता है इसी के साथ, या तो फिर आप 3000 का डिस्काउंट यहां पे अवेल कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ परचेसिंग द कोर्स। एक तो 6D ले लो, मेरे तरफ से तो ये तो सजेशन रहेगा कि गो विद द 6D कोर्स, इट विल हेल्प यू, क्योंकि आपने CA फाइनल, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर आपने रेगुलर P4 सब्जेक्ट लिया और आपको मेरा टीचिंग पसंद आया तो एनीवेज आप 6D कोर्स परचेस करने आओगे ही आओगे। और 6D कोर्स के अंदर मैं खास बात ये बोलना चाहूंगा कि आपको 15 से 20 लेक्चर देखने, बिकॉज फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड अपना IBC, ये 3 टॉपिक तो वैसे के वैसे कॉमन है, तो आपको 15 से 20 लेक्चर ही देखने और केस स्टडी लेक्चर देखने। सो 15 से 20 लेक्चर में आपका 6D भी खत्म हो जाएगा, बाकी यहीं के FEMA PMLA और IBC के लेक्चर हमने वहां पे कॉपी पेस्ट किए हैं, तो 15 से 20 लेक्चर में आपका 6D हो सकता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग 48 आवर्स लेता है, 3 से 10 बिजनेस डेज में शिप किया जाएगा, फिर आपको पहुंच जाएगा, लेकिन लॉकडाउन में ये नहीं होगा। टेस्ट सीरीज ऐड करना चाहते हो कर सकते हो तो करिए, कोर्स डिस्क्रिप्शन ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने पूरा का पूरा चीज अच्छे से पढ़ा हुआ है और उसके बाद में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लियर है, फिर आप ऐड टू कार्ट करके इसको परचेस कर सकते हैं। ये है रेगुलर का। सो रेगुलर कोर्स आप परचेस कीजिए, आपका पूरा लॉ मेरे भरोसे पे, आई विल गारंटी यू। आप एंड में मुझे मैसेज करोगे कि सर ये बहुत अच्छे से लॉ प्रिपेयर हुआ है, थैंक यू सो मच करके, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। दूसरा यहां पर मैं पढ़ना चाहूंगा फास्ट ट्रैक, 1 मिनट जरा पानी पी लू, होल्ड। चलो डन, सो आ जाइए। अब है सुपर 35 रिविजन कोर्स।
सुपर 35 रिवीजन कोर्स के बारे में कुछ चीजें बोल दूं, आपके लिए ये प्री बुकिंग के लिए अभी अवेलेबल है। सुपर 35 रिवीजन कोर्स ये उनके लिए है जिनका ऑलरेडी एक तो लॉ हुआ है पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिली है, और जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जाना है, ज्यादा एनालिसिस और नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जाना है, उनके लिए 35 है। क्योंकि मेरा ओरिजिनल रेगुलर कोर्स 55 लेक्चर्स प्लस 12 से 15 लेक्चर्स के ऊपर जाता है क्वेश्चनेयर के, तो वो 70 लेक्चर्स को 35 में कॉम्प्रेस करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। फिर भी मैंने इसके अंदर 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी है और एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस दिया है, तो ये उनके लिए है। इसके साथ आपको रेगुलर बैच का ही बुक सेट दिया जाएगा पूरा का पूरा, जिसके अंदर क्वेश्चनेयर बुक जो है, आपके जो क्वेश्चनेयर बुक है वो क्वेश्चनेयर बुक आप यूट्यूब पे जो मैंने क्वेश्चनेयर के फ्री वीडियोस डाले हैं उसके लिए यूज कर सकते हो। तो सुपर 35 प्लस 12 से 15 क्वेश्चनेयर वीडियोस यूट्यूब के, इससे आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें आप यह मत एक्सपेक्ट करना कि मैं बहुत इन डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं या नॉलेज दे रहा हूं, इसमें आपको ना ही नॉलेज मिलेगा ना ही इन डिटेल एनालिसिस, इसमें एग्जाम ओरिएंटेड ही चीजें मिलेगी, ठीक है। इसका प्री बुकिंग शुरू हो चुका है, नीचे आपको लिंक मिलेगा, लिंक से आप परचेस कर सकते हो। और दूसरी चीज मैं आपको यह बोलना चाहूंगा, आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो और 20 तारीख से हम डेली इसका एक लेक्चर देंगे डेली, और अभी तक के सुपर 35 कोर्स इंग्लिश में अवेलेबल था, इस बार हमारा हिंदी इंग्लिश में बकायदा सुपर 35 कोर्स अवेलेबल है, आप इसको परचेस कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश में समझने लायक पूरे सिचुएशन में है, और आप इसको परचेस करोगे डेली वन वीडियो मिलेगा, अगस्त एंड तक के पूरा बैच एंड हो जाएगा डेली वन वीडियो के हिसाब से, क्लियर है। वैसे भी आप डेली वन वीडियो से ज्यादा देखोगे भी नहीं, ठीक है, और अगर देखोगे तो साथ में क्वेश्चन और डिस्कशन देख लेना अगर आपको देखने की ही इच्छा हो तो। तो आपका जैसे ही कंटेंट हो जाएगा क्वेश्चन और डिस्कशन हो जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा, क्लियर है, ये चीज को याद रखना। अब सुपर 35 की हमें लिस्टिंग पढ़ लूं, सुपर 35 हिंदी इंग्लिश 20 जुलाई से हम ये इसका एक एक लेक्चर देना शुरू कर रहे हैं। टोटली एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है हमारा सुपर 35 का। नीचे ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी नवंबर 20 एग्जाम के लिए और मई 21 एग्जाम के लिए विथ अमेंडमेंट से एप्लीकेबल होगा, मई 21 नवंबर 21 के लिए विथ अमेंडमेंट से एप्लीकेबल होगा जिनको इसको लेना है उनके लिए, ठीक है। एडिशनल दो तीन टॉपिक ओल्ड सिलेबस के लिए सिर्फ 85% एप्लीकेबल है, दो तीन टॉपिक आपको खुद के भरोसे पे करने पड़ेंगे या मेरे यूट्यूब के कुछ वीडियोस है उसके साथ पीडीएफ नोट्स दे देंगे। यूजफुल फॉर स्टूडेंट फॉर लिमिटेड स्टडी प्रिपरेशन, और ओल्ड स्टूडेंट्स जिनका एक दो अटेम्प्ट का गैप हो चुका है उनके लिए काफी यूजफुल है, या जिनको इनडेप्थ रिविजन करना है उनके लिए काफी यूजफुल है। ड्यूरिंग लॉकडाउन आपको पीडीएफ कॉपीज दी जाएगी। पूना का लॉकडाउन, अब वापस से पूना का लॉकडाउन कल से शुरू हो रहा है, 13 जुलाई से 15 दिन डिक्लेयर किया है, और कितना एक्सटेंड होगा पता नहीं, तो पीडीएफ कॉपी आपकी प्रिपरेशन ना रुके इसलिए पीडीएफ कॉपी देंगे। बाद में अगर आपको चाहिए, आपने हार्ड कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो आपको हार्ड कॉपी शिप कर दी जाएगी, ठीक है, ये चीज को याद रखना। ये विंडोज लैपटॉप के ऊपर और डेस्कटॉप पीसी के ऊपर चलता है, ठीक है, और ये 1.5 टाइम्स व्यू दे रहे हैं, 6 मंथ्स वैलिडिटी है। इंट्रोडक्शंस आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके पढ़ना, हो सकता है यही आपका इंट्रोडक्शन वीडियो हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको पढ़ना, ये काम में आएगा। फिर आप चेक कर सकते हो परचेस टाइप आपका कौन सा है। परचेस टाइप में दो ऑप्शन है कि ऑनलाइन डाउनलोड प्री बुक आप कर सकते हो अभी अगर चाहिए तो, या फिर विद पेनड्राइव ऑप्शन आप ले सकते हो जो अवेलेबल रहेगा 5 अगस्त या उसके बाद में, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है उसके बाद ही आपको शिप किया जाएगा। हार्ड कॉपी ऑप्शन मैं आपको ज्यादा सजेस्ट करूंगा, गो विद द हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी ऑप्शन के साथ प्लीज मत जाइएगा, वैसे अवेलेबल भी नहीं है। हार्ड कॉपी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे सॉफ्ट कॉपी लेने के बाद हार्ड कॉपी पे शिफ्ट होते ही है, और फिर तब हार्ड कॉपी बुक्स की कॉस्ट ज्यादा लग जाती है, बिकॉज हमारे हार्ड कॉपी बुक्स सेल के लिए, एक्सटर्नल स्टूडेंट सेल के लिए बहुत बड़े कॉस्ट पे अवेलेबल है, तो हार्ड कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट करना। उसके बाद में नीचे नवंबर एग्जाम के लिए ये अप टू डेटेड रहेंगे, एंड में मैं इसके अमेंडमेंट लेक्चर भी दूंगा आपको साथ में कि भैया अमेंडमेंट लेक्चर देखो, ये एक्सपेक्टेड अमेंडमेंट का लेक्चर रहेगा। मई 21 और नवंबर 21 के लिए ये विथ अमेंडमेंट्स आप चाहिए तो ले सकते हो। 2000 का आपको कूपन डिस्काउंट मिलेगा ये अगर आप चाहो तो, फ्लैट 2000 का। 48 आवर्स डिस्पैच के लगेंगे, 3 से 10 बिजनेस डे। पिकअप ऑप्शन अवेलेबल है आपको अलग अलग सेंटर से, इट डिपेंड्स ऑन कि कहां से आपको पिकअप करना है, फिलहाल तो वी स्मार्ट प्रेसिज पॉइंट से ही अवेलेबल है क्योंकि बाकी सब जगह पे हम इसको शिपिंग कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज अगर आप चाहो तो ले सकते हो, 2000 का डिस्काउंट इसलिए माइनस 2000 फीस है, ऐसा नहीं है कि आप कोर्स लोगे और हम आपको 2000 भी देंगे तो माइनस, इसका कॉस्ट नियरली हम 6500 के आसपास रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप नॉर्मल हार्ड कॉपी विद ऑप्शन लेते हो तो 6500 में कोर्स होगा। आई रिपीट अगेन, हार्ड कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट करना। 20 जुलाई से कोर्स एक एक लेक्चर आना शुरू होगा, इसका क्वेश्चन है डिस्कशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल यूट्यूब पर रहेगा, जिसके क्वेश्चनर आपके पास रहेंगे आप वो यू कर सकते हो यूट्यूब से, तो आपका प्रिपरेशन काफी अच्छे से होगा। तो जो बच्चे नवंबर एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं कम समय में, उनके लिए कोर्स काफी अच्छा है, इट इज द बेस्ट वन इन द मार्केट, ठीक है, ये चीज को अपने अच्छे तरीके से याद रखना। अब मैं जाता हूं तीसरे रिविजन कोर्स के ऊपर जो है बूस्टर रिविजन कोर्स। पहली बात, बूस्टर रिविजन कोर्स अगस्त में रिकॉर्डेड है, नया बूस्टर रिविजन कोर्स हम अगस्त
लास्ट अगस्त में रिकॉर्डेड है, नया हम अभी अगस्त एंड में रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। सितंबर मिड तक ये कंप्लीट होगा, पर अगस्त एंड से आपको ये परचेस के लिए और देखने के लिए अवेलेबल रहेगा। डेली वन वीडियो, 15 लेक्चर्स का इसके अंदर टारगेट है, पर ये रिवीजन वीडियो है। कोई अगर बूस्टर रिवीजन, सिर्फ बूस्टर रिवीजन देख के एग्जाम जाना चाहता है, प्लीज ऐसा मत करना, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। ये उनके लिए है जिनका लॉ ऑलरेडी पहले कहीं अच्छे से हो चुका है, सिर्फ इनडेप्थ रिवीजन करना या कुछ नए कंसेप्ट उनको पता करने, उनके लिए है। ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने लॉ को छुआ भी नहीं है या सिर्फ एक आध चैप्टर पढ़ के छोड़ दिया, पब्लिकेशन बुक लेके छोड़ दिया। ये जिनका इनडेप्थ लॉ हुआ है सिर्फ उनके लिए है, क्लियर है। इसके अंदर हम ये भी बोलते हैं सिर्फ बूस्टर बुक देते हैं, हम इसके अंदर सिर्फ बूस्टर बुक देते हैं। क्वेश्चनर आपको इसके लिए सेपरेटली परचेस करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके वीडियोस YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप सेपरेटली क्वेश्चनर परचेस कर सकते हो इफ यू विश सो, ठीक है। अगर आप बूस्टर, आपको इनडेप्थ रिवीजन और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन चाहिए, तो बूस्टर रिवीजन कोर्स ले लो, साथ में क्वेश्चनर ऐड कर दो कार्ट के अंदर, दोनों चीजें आप परचेस कर लो तो इट विल हेल्प यू अलॉट। वैसे भी YouTube के ऊपर क्वेश्चनर वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यह चीज को आदमी याद रखना। जिसके अंदर अगेन मैं बोल दूं कि ये नवंबर 20 मई 21 के लिए एप्लीकेबल है, ये जिनके एक दो अटेम्प्ट का गैप किया है, लॉ अच्छे से प्रिपेयर हुआ है उनके लिए है। 1.5 टाइम्स यू है, 6 मंथ्स का वैलिडिटी है। इंट्रोडक्शन वीडियोस ठीक से आपने सबने देखने हैं, इंट्रोडक्शन वीडियोस। यहां आप कोर्स परचेस कर सकते हो जो ऑनलाइन डाउनलोडेबल अवेलेबल है या विथ पेन ड्राइव अवेलेबल है। दूसरा, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स ही अवेलेबल है, क्योंकि कई सारे बच्चे फिलहाल, जब तक लॉकडाउन है हम आपको सॉफ्ट कॉपी देंगे, जब लॉकडाउन ओपन होगा तो हम आपको हार्ड कॉपी शिफ्ट कर देंगे। नहीं तो क्या होता है, बच्चे सॉफ्ट कॉपी ऑप्शन लेते हैं और बाद में वापस कंप्लेन करते हैं, सर हमको हार्ड कॉपी चाहिए थी, इसलिए हमने सॉफ्ट कॉपी ऑप्शन ही निकाल दिया, इसलिए अब सिर्फ हार्ड कॉपी है। फिलहाल सॉफ्ट कॉपी देंगे जब तक लॉकडाउन चल रहा है, बाद में हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा। ये होने के बाद में नवंबर 20 मई 21 कहां के लिए ले रहे हो, 2500 का डिस्काउंट इसके ऊपर फिलहाल अवेलेबल है, बाद में कब गायब हो जाएगा वी डोंट नो, इसके लिए कोई गारंटी नहीं है। 3 से 10 बिजनेस दिन में शिपिंग होगा लॉकडाउन, पुणे लॉकडाउन खुलने के बाद, आई रिपीट पुणे लॉकडाउन खुलने के बाद, ठीक है। टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है, कोर्स डिस्क्रिप्शन आप ले सकते हो, 2500 माइनस फी है, लेकिन आप कोर्स सिलेक्ट करोगे तो उस हिसाब से। इसका टेंटेटिवली आपका कॉस्टिंग है 1500 से लेकर 2000 विदाउट क्वेश्चनर, अगर आप क्वेश्चनर ऐड करते हो तो उतना कॉस्ट इसमें एडअप हो जाएगा। तो ये है आपका बूस्टर रिवीजन कोर्स फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन, ये चीज को याद रखना। एंड में मैं क्वेश्चन एयर का थोड़ा सा बोल लूं, जिनको यूट्यूब पे फ्री क्वेश्चन एयर वीडियोस देखने हैं पर मेरा क्वेश्चन एयर साथ में रेफर करना है, क्योंकि मैंने इन्हीं क्वेश्चन एयर से वो डिस्कस किया है, तो उनको चाहिए, सिर्फ उनके लिए है। इसमें कोई भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी वगैरह, कोई भी कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, उसके रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। 650 प्लस क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ये 600 क्वेश्चन तो नवंबर 19 तक थे, मतलब मई 19 तक थे, उसके बाद तो हमने इसके अंदर नियरली एक आरटीपी, एक एमटीपी और एक क्वेश्चन पेपर ऐड किया है, तो नियरली 700 के आसपास के क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। यहां 5-5 आरटीपी एमटीपी लिखा है, पर टेंटेटिवली मैं बोलूं 10-10 आरटीपी और एमटीपी हमने कवर किए हैं, पर लिखने के लिए 5-5 लिखे गए हैं यहां पे, ठीक है। बुक का रिव्यू प्रीव्यू आप ले सकते हो यहां क्लिक करके, सॉफ्ट कॉपी में थोड़ा अवेलेबल रहेगा कैसा दिखता है। डिस्कशन वीडियोस यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप हार्ड कॉपी ऑप्शन सिलेक्ट करना, आपको शिपिंग हो जाएगा। तब तक कि आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी लॉकडाउन में, आप क्वेश्चन डिस्कशन आपका ना रुके, इसलिए कोर्स सिलेक्ट कर लेना, ऑर्डर कर देना। इसके साथ में अगर आप बूस्टर या फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स लेना चाहते हो तो आप जरूर उसको ले सकते हो। सो ये चीजें अवेलेबल है। इसके एडिशन में अमेंडमेंट के बारे में मैं वापस से सब लोगों को बता दूं कि हमारी जो अमेंडमेंट्स है बच्चों, हमारे जो अमेंडमेंट्स है ये 10 सितंबर को रिलीज होंगे। 2 से 3 लेक्चर रहेंगे अमेंडमेंट के, सीए फाइनल के, आप पूरा प्रिपरेशन करके कंप्लीट कर दीजिएगा। अमेंडमेंट वीडियोस बाकायदा 10 सितंबर ड्यू डेट है, दिल पे हाथ रख के 10 सितंबर 10 मार्च बोलते रहना, अमेंडमेंट वीडियो आना। इसके पहले के 3 अटेम्प्ट के चेक कर लो, बराबर 10 सितंबर 10 मार्च के पहले आ चुके हैं। सो दिस इज दर्शन खरे, दैट इज एंटायर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 3 चीजें पेड है, 3 चीजें फ्री है। इट इज इक्वल जस्टिस फॉर स्टूडेंट एज वेल एज मी, एक मेरा भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए 3 चीजें हमने फ्री रखी है। दैट इज क्वेश्चनर वीडियोस फ्री, आपका अमेंडमेंट वीडियोस फ्री एंड वनडे रिविजन लेक्चर्स फ्री। 3 चीजें आपकी पेड है, दैट इज रेगुलर कोर्स, आपका थर्ड ईयर सुपर 35 एंड इस बार का आपका बूस्टर रिवीजन कोर्स। आई होप आपको इससे एक अच्छा खासा ज्ञान मिला होगा कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए। सो आप प्लीज सिलेक्ट कीजिए। दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।